नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अजंता एलोरा की गुफाओं की ओर। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनी हैं, दोनों के बीच में बहुत दूरी है, पर अपने महत्व के कारण इनका नाम एक साथ लिया जाता है। भारत के मुख्य हेरिटेज में से एक हैं ये दोनों गुफाएं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अजंता गुफाओं की ओर। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर अजंता नामक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी विशेषता ये है कि ये गुफाएं बाघोरा नदी के तट के किनारे किनारे एक ही पहाड़ी को काटकर उनको तराशकर बनाई गई है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती हैं। अजंता पूरे 29 गुफाओं का समूह है, जो कि घोड़े की नाल के आकार के रूप में बनी हुई है। अब हम आपको लेके चलते हैं एलोरा की गुफाओं की ओर। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मंदिर बाहर और भीतर मूर्तियों से भरा हुआ है। यहाँ खुले मंडप में नंदी, विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। एलोरा की गुफाएं अपने निर्माण काल के धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। भारत की इस अनुपम शिल्पकला को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। यहां आने का सही समय अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक का है, तब तापमान थोड़ा कम रहता है। ये गुफाएं 2 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। यहां पर बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित खूबसूरत मूर्तियां हैं, जो कि उस समय की शिल्पकला की उत्कृष्टतम धरोहर है। एलोरा की इस अद्भुत शिल्पकला को देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है कि उस समय बिना किसी तकनीकी सहायता के कैसे इन शिल्पकारों ने इतनी मजबूत पर्वत शिलाओं को काटा होगा और इतनी सुंदरतम और अद्भुत मूर्तियां एवं गुफाएं बनाई होंगी। मैं तो कहूंगी हर भारतीय नागरिक को अपने बच्चों सहित एक बार अवश्य यहाँ आना चाहिए, ताकि वो जान सकें कि उनके देश की सांस्कृतिक एवं शिल्पकला की धरोहर कितनी अद्वितीय है, और ये उनके लिए एक गर्व का विषय होगा। इन खूबसूरत गुफाओं और उनमें उकेरी हुई मूर्तियों को देखकर मन अनायास सोचने लगता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत, कितना समय और धैर्य लगा होगा। उन महान शिल्पकारों को शत शत नमन।